अज जाम है पूरा ही J&K में बंद है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखो आप जानते ही हैं कि हमारा जो समाज है उसके अंदर सहनशीलता बहुत है, तो बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती है। जब वो इतना कुछ बर्दाश्त करती है तो अगर जब वो स्टेप उठाती है, कदम उठाती है, तो उसका अंतम इम्तिहान होता है सब्र का। जनता दुखी है, जबकि आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ये सरकार बनी हुई थी। केंद्र ने अपनी मंशा के अनुसार यहाँ उन्होंने अपने उस पर नियंत्रण करा कब्जा कर रखा है। उसके बाद अगर सेंटर जहाँ आई है तो लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उसका दावा है कि हमने ये किया, और लोग राहत क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? दिन ब दिन समस्याएं बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कितनी जो डिपार्टमेंट हैं उनमें इम्प्लॉइज कम हैं, फिर ये जो जाम लगा है ये तो बहुत मतलब जरूरी था, अर्जेंट भी था। असली जाम ऐसे नहीं होता है, लास्ट होता है, एग्जाम होता है लोगों का सब्र का, किस लोग कितने को सैंड कर रहे हैं आज। क्या सर आप राजपूत सभा का समर्थन देते हैं जो उन्होंने अभी ये बीड़ा उठाया है कि टोल टैक्स को बंद किया जाए, और उनके सदस्यों को भी पुलिस द्वारा जो है उठाया गया, जेल में डाला गया और 4-5 दिन के बाद उनको रिलीज किया गया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो भाई, मैं किसी भी कास्टिज्म रिलीजन में विश्वास नहीं करता। ये रायपुर सभा जो उनका मुद्दा था, मुद्दे को लेकर, हाँ वही ना, अगर एज ए सभा रायपुर सभा उन्होंने मुद्दा उठाया है वो जनहित है। हम ये नहीं मानेंगे कि उनको श्रेय मिलना चाहिए, और ये आज वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे समाज के अंदर, हर आदमी की थिंकिंग है, तो वो सोचते हैं ठीक है अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज थे, वो असल में लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए उन्होंने वो ऑर्गेनाइज थी सभा रायपुर सभा, तो उनको स्टेप उठाना उनके लिए लाजमी बना, जरूरी था। उन्होंने की ओर समर्थन क्यों नहीं देगी जनता? लोग राजनीति को सवा तोड़ दे रहे हैं, वो अपनी समस्या देख रहे हैं, कठिनाइयाँ देख रहे हैं, मुश्किलें देख रहे हैं, और कोई भी स्टैंड लेता है लोग उसी के पास पीछे चलते हैं। यदि लोग जनता नहीं देखती कि राजपूत है या ब्राह्मण है या कोई है, लोग अपने संकट देखते हैं, उनसे मुक्ति चाहती है, तो उसके लिए ये तो आज के दे रहे हैं ना पूरे इतिहास देखो, लोग जो भी राइट जिसने स्टैंड लिया लोगों ने समर्थन किया। क्या लगता है आपको कि जो भी बोलता है उसको जेल में डाला जाता है, उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या लगता है कि सरकार उनके मुद्दे को क्यों नहीं डिसीजन ले रही है, क्यों नहीं, क्या वजह है? देखो एक तो ये सरकारें जो हैं जनहित साबित नहीं हो रही है, जब जनहित साबित नहीं हो रही है तो इन्होंने जुर्म करना होता है, लोगों को जेलों में डालना होता है। लोगों को जेलों के बारे में जानकारी कि जेल इंसानों के लिए, जेल में कोई जो अपराधी हैं ये वो अपराधी तो नहीं है, जनहित उन्होंने आज मुद्दा लेके खड़े हैं, लोगों का समर्थन है, वहाँ का जो शासन प्रशासन वो भी समझते हैं कि हम किसके जिनको पकड़ के लाए हैं वो कितने गलत हैं या ठीक हैं, इसलिए जेलें इनका वो है, शस्त्र है लोगों को डराना धमकाना, अपनी ही बात मनाना, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जबरदस्त चीज़ें नहीं मनाई जाती हैं, लॉजिकल चीज़ें होती हैं, तर्क के आधार पर बात होती है कि हम ठीक हैं या गलत हैं, जो अंदर हुए उनको नहीं पता है हम ठीक हैं या गलत हैं, बार बार निकल के सीना तान के निकलेंगे, मुंह नीचे करके नहीं निकले हैं, बलात्कारी नहीं है, वो कोई स्मगलर नहीं है, जनहित एक आवाज़ मुद्दा लेकर खड़े हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया जाता है, अभी भी वो चार साल हो गए इनको यूटी बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे आपके स्टेट बनेगी, कब बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का भी अभी उनकी भी कोई डायरेक्शन है कि इनको केंद्रीय सरकार को उन्होंने पूछा है कि आप ये स्टेट कब बनाओगे, क्या है आपका मैनिफेस्टो, किस तरीके से आप देखते हैं? आपको पता है यहाँ सरकार चुनी हुई थी लोगों द्वारा जी, जब हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की राय,
जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर चुनाव हुआ और गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो आपने सेंटर ने समझा कि ठीक नहीं है किसी के कारण। अगर नहीं है तो यहाँ की जनता से राय लेनी चाहिए, जनता को भी पता लगना चाहिए कि हम गलत हैं या ठीक हैं, हम वोट किसको फिर देनी है, राय उनके लिए। अभी 4 साल से लगातार आप अपना ही खोस रहे हो। 370 कब था? 370 का 1965 का ख़त्म हुआ है, जब पहला यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की पदवी थी, प्रधानमंत्री लास्ट था मोहम्मद सादिक और पहला चीफ मिनिस्टर भी वही बना। जब आपने सदर रियासत की पोस्ट ख़त्म कर दी, प्रधानमंत्री की पोस्ट खत्म की, जिसको बोलते हैं एक प्रधान, वो ख़त्म कर दिया, तो 370 तक घिसा हुआ था। पहले ही केंद्र का जहाँ राज है, आर्मी जहाँ है, इंटेलिजेंस जहाँ काम कर रही है, कितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुले हुए, हर चीज़ है इधर। हाँ, यहाँ के लोगों के अंदर जैसे है रिजेंटमेंट है ही नहीं है, ये अपने इनके सेंटर के और इनके जब होते थे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते थे ये वो। क्या सर 370 जो है इन्होंने तोड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक। वो जहाँ की सरकार एक चुनी हुई, लोगों ने मतलब राज्य ने भी अगर लिख के दिया थे, उसकी राय को कहाँ ध्यान दिया गया? ट्रेन जितनी लगी हुई है, जहाँ भी सेंटर की जो मर्जी होती है उसके लिए विकल्प है। हमारे असेंबली में बिल पास होते हैं जो ये सहयोग देते हैं उनको, आओ ये करो। तो इनकी जो राजनीतिक अपनी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री? मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है, लोगों को कास्टिज्म में बांट दिया गया है, रेसिज्म में एक टेररराइज है, हम इसको बोर्डिंग डालेंगे तो हमें क्या दहशत से लोग वोट डालेंगे, पता है आपको? जब दहशत से वोट है वो डेमोक्रेसी है, साफ नजर आ रही, वो तानाशाही है, राजकता है, वो डिक्टेटरशिप है। ऐसे थोड़ा हम लोगों को बिगोड़ नहीं सकते हैं जी डेमोक्रेसी वोट डालने से। वो डॉक्टर कितना कॉन्शियस है, एक मैं एग्जांपल दूं जी, अगर बुरा ना मनाने जी, जी। मेरी माँ को पता है बचपन से मैं क्या क्या हरकतें करता था, रसोई में सारा खाना खा जाता था, तो मेरी माँ को दोबारा सब्जी बनानी पड़ती थी। अगर मेरी माँ वकालत करती कि मेरे बेटे को वोट डालो, वो डेमोक्रेटिक है? उसको नहीं पता मेरा बेटा अपराधी प्रवृत्ति का है। तो जहाँ सब जाने पहचाने हैं, जो भी वोट मांगने जाता है उसी के व्यवहारिक को जीवन के बारे में आप नहीं जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं ये क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उन लोगों को मौका प्रसन्न आया हुआ है, बच्चों को यूथ को खराब कर रहे हैं कि मैं इसका चिमजागिरी करूँगा, या इसके पीछे चलूँगा, शायद मैं उसका ट्रैक्टर चलाऊँगा, मैं उसके घर में काम करूँगा। ये बड़ी गलत तरीके, लोगों की चेतना होनी चाहिए कि हमारा समाज कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो। मैं आपको नफरत क्यों करूं, किस विषय पर करूं? जहां आप उचित है मैं आपको वेलकम क्यों ना करूं, आपको सल्यूट क्यों ना मारूं? जहां आप गलत है तो मैं दिलेरी से क्यों ना कहूं, बेशक आप मेरे बेटे हो या मेरे बाप हो, कुछ भी हो, राइट रॉन्ग पर बातें हों, तब डेमोक्रेसी विकसित होती है, लोकतंत्र प्रक्रिया सही चलती है। डमेबाजी से नहीं, भाषणों आश्वासनों से नहीं, लालटेन देकर नहीं, जैसे चूहे को मारते हैं कुड़की में फुलका लगाते हैं, ऐसे लालटेन दे दे के वोट मांगना है, किसी को पैसे देने किसी को नहीं देना, डिवाइड करना जनता के अंदर, विभाजन करना, हर चीज़ का वर्गीकरण करना। सर जाम को किस तरीके से देखते हैं आप जो अभी लगा है? जाम जो लगा है जी, जो सही जी, चक्का जाम सही है, चक्का गलत जाम है? बिल्कुल सही है, उचित है। अगर सही है सर तो सरकार क्यों नहीं इनका समर्थन करती है? लखनपुर से लेकर आप जम्मू तक जाओ, हमारी सड़क सेफ नहीं है, टेक्निकली इंजीनियरिंग थी किसी 19 से पूछो तो पानी का बहाव कहाँ है, कौन सी नालियाँ हैं, किस तरीके से सड़कों के हाथ देखो, पुल टूटे हुए, आप पूरे उनसे पैसे करा रहे हो। अगर मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, कपड़ा उसका ठीक नहीं है, मैं पैसे दूंगा? केले सड़े हुए मैं पैसे दूंगा? हमारी सड़क ठीक नहीं है, डैमेज है टेक्निकली, पहले ही पुल तो अभी टूटा, पहले भी ही गलत है ये। कितने यहाँ हमारे अकाली बड़ी या आगे पीछे एक्सीडेंट होते हैं,
कितना ही जमकट हो गया है, चरस्ते बने हुए हैं। अटली में आपने देखो चरस्ता बना हुआ है, एक अटली को रास्ता आ जाता है, एक पठानकोट रास्ता आ जाता है, एक जाता है जम्मू को, एक कठुए में। इस किस्म की मतलब जो खतरे बने हुए हैं उसके लिए विकल्प इनके पास होने चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट हैं, एक्सपर्ट हैं। अगर जनता के हित में सोचें तो इनके पास एक्सपर्ट हैं, दिमाग है, सब कुछ है इनके पास। लेकिन जब मंशा हो निजी कि पैसे कैसे कमाना है, इसको कैसे करना है, तो तब जो है लोगों के हित नहीं देखे जाते। जो चंद लोगों के हित, जो चंद लोगों के हित जनता के हित में नहीं होते, जनता की बर्बादी होती है। सर लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आप जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ जनता पर छोड़ा जाए, आवाम को आवाम देने दिया जाए, जो हमारी राजनीतियों की गलतियाँ हैं वो आत्मविश्लेषण करें, माने कि क्या क्या उनसे गलत हुआ, क्या ठीक हुआ। जम्मू और कश्मीर के जो दो अलग अलग अवाम नज़र आते हैं, वे शासकों की देन है कि कश्मीरी हम पर राज करते हैं, डोगरा हम पर राज करते थे। ये जो मानसिकता है इस किस्म की, जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज होकर आगे आना चाहिए सही राय के लिए, ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो। विश्वास की स्थिति नहीं रही है। मुसलमानों के मजहब में मैं रहता हूँ, रोज़ में मजबूरी में अदावज़ करना पड़ता है। तो मुसलमानों के महल में कश्मीरी पंडित रहता है, वो अदावज करता है, और पंडितों के महल में मुसलमान रहता है, हिंदुओं के महल में वो सब नमस्कार नमस्कार आर्टिफिशियल। तो गुड मॉर्निंग हम सबको करते हैं, हिंदू भी कोई करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, वहाँ हमारा कोई भी नहीं है। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी असुरक्षा है, और इंटेलेक्चुअल लोग जहाँ बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, फिर भी डरे हुए। मुझे आप पर विश्वास क्यों ना हो? मेरी वो समस्या और आपकी एक ही है, हमारी एक राय नहीं होनी चाहिए जी। अभी दो खड्डे बने हैं, हमें नहीं पता कि पहला खड्डा किसको भरना है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहीं पता नहीं चलता है कि आपका खड्डा ही उसमें नहीं पहले भरना था, इसको भरना क्यों, इन्होंने वोट नहीं डाली। क्या घटिया मानसिकता हमारी विकसित की हुई है इन नेताओं ने। तो उस इन चीज़ों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, तब हम पूरा सही। मैं डब से कहता हूँ, जो हमारे लड़के हैं कश्मीर के अंदर जिनके हाथ में पत्थर है, पत्थर छोड़ सकते हैं, वो शर्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही हो, फेल हो, किसी मंशा ना हो। निजी हितों को त्यागना पड़ेगा, जनता को सामने रख कर चुनाव हो। मैं कहता हूँ कि यहाँ बेहतरीन जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में सब कुछ पहले भी था और हो सकता है, संभावनाएं हैं। बाकी सर अंत में केंद्रीय सरकार या मौजूदा सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप आवाम को अपना समझें, आवाम को आवाम समझें, उसको विभाजन न करें, उनको इंसान समझें, इंसानों की जरूरत समझें, मजहबों की जो जरूरतें हैं या धर्मों की जरूरतें हैं या कास्ट की बेस पर जो जरूरतें हैं, वो लोगों के अंदर विवाद पैदा करती है। हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, इसी विवाद पैदा होते हैं, इंसान खतरे में। उचित अनुचित एक आधार होना चाहिए बात। थैंक यू।